जो उन्होंने वादा करे वो फुलफिल करे। तो अगर उन्होंने जो अल्फाज निकलते गंगा जमुना कहे जी सेक्युलर सीएम नंबर वन सीएम अगर वो सही करे तो आज एक कोंगी से एक सलीम आप तांडुल या तांडुल में आके आपके सामने बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी उम्मीद करें ना तेलंगाना तो हमारी जिंदगी हमें अच्छे होते बोल गए, ये सुनेगा तेलंगाना में हमारा भी हिस्सा मिलता बोल गए हम समझे ना, इसलिए हम तेलंगाना के लिए आग लड़ने में भी हम पीछे रहे, लेकिन आए से तेलंगाना में हम आपको कम कर रहे हैं। तो बीजेपी को आपको क्या फर्क है बोलो, बीजेपी भी मोदी साहब की हुकूमत से पहले बीजेपी भी कई मुसलमानों के एमएलए टिकट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिस्टर बनाते थे, अब मोदी साहब आने के बाद बीजेपी में भी नया ट्रेंड शुरू हो गया मुसलमान की टिकट ने असल मुसलमान की वोटिंग तक तो बोले कर्नाटक में बोले इलेक्शन ए मुसलमानों आपकी वोट हमारे नमको हम आपको नमको डालो सेक्युलर स्वभाव है तो सेक्युलर सेक्युलर बोल के जो आपके समान से निकल रहा फिर आप क्या कर रहे हैं केसीआर साहब, आपको बीजेपी को क्या डिफरेंस है बताओ बताओ आप, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों कम कर दे रहे हैं, हमारा जो हिस्सा मिलना वो कहीं तो नहीं दे रहे आज बजट, अरे 2000 करोड़ बजट पेश करे तो पड़ा तो क्या खर्चा करे तो खर्चा करे तो बजट में पेश करते फिर एक बार केसीआर साहब की हुकूमत अगर आई बोले तो तेलंगाना में आज टमाटर 200 रुपए लीटर है, कल 1 लीटर दूध 500 रुपए होता है, अगर तीसरी बार केसीआर साहब अगर हुकूमत में आए 1 लीटर का दूध 500 होगा इसलिए होगा वो अमल में लिया था खाली बोलते दूध से मिलाते रहते केसीआर साहब माइनॉरिटी सब्सिडी लोन 1 लाख बोलते चार मिला के पास हमारे मामले सरकार के शहर फोटो डालते उससे मिला हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा बजट बजट में हिस्सा नहीं मिल रहा 2000 पेश कर दे उसमें 1000 खर्चा कर वो 1000 में भी हर साल 70 करोड़ इफ्तार के नाम पे खर्चा में जो कपड़े दे रहे हैं उसके नाम पे करेगा आप हमारे को माइनॉरिटी बजट किसके लिए पेश कर दे गरीबों की खिदमत के लिए जो उनको सब्सिडी लोन देना है उनको एक खरने तो घर देना है अगर उसको रोजगार होना पड़े तो रोजगार देना है अपने बच्चों की तालीम के लिए पढ़ाई के लिए वो बजट पेश करना कम अगर आज देखो क्यों मैं कम बजट है बोल के बोल रहा हूँ आपको बजट आज ये साल का कितना है एनुअल बजट 2,56,00,000 14% निकालो 1 लाख का 14% कितना होता 14,000 करोड़ होते और 1 लाख में 14% निकालो अगर अपना पॉपुलेशन के हिसाब से अगर बजट देखा गया तो हिस्सा अगर अपन मांगने लगे तो 28,000 करोड़ आते 28,000 करोड़ साल 2000 करोड़ रखिए दूध एक चले दूध से निकाल दे और वो कम बजट में इफ्तार के रमजान में हर रमजान में इफ्तार बोल के बुला उसमें से जो गरीबों के लिए जो बजट रखते हैं उसमें से हर साल 70 करोड़ साहब अगर हम अगर आपको इफ्तार देना है तो आपको स्पेशल का स्पेशल बन रहे महीना की बजट में से क्यों दे रहे आप आपके स्पेशल बजट में क्यों ये साल का केसीआर साहब का स्पेशल बजट 10,000 करोड़ से उसपे से दियो हम इफ्तार ले लेकिन अपने महीना के बजट से इफ्तार के लिए खर्चा करें उसमें खुद कपड़े दे कौन पूछे साहब आपको कपड़े हमारी जिंदगी को सुधारने के लिए काम करो ये स्कीम लाओ हम आपके रमजान के कपड़े दे के कई को खुश कर दे वो इफ्तार करते से पूरे हैदराबाद में बड़े बड़े कोडिंग साहब मोहम्मद अली साहब को 1 खजूर और एक साहब को 1 खजूर वो देखने वाले क्या समझते मानते वो मुसलमानों के साथ केसीआर की कच्चा कर रहे होते वो लोग समझ हकीकत में हमने कुछ भी नहीं अगर ये स्कीम बताओ मुसलमानों के लिए गरीब मुसलमानों के लिए तेलंगाना ने आईएसएस स्कीम अब सचार कानून के बारे में आपको मालूम
केसीआर साहब आने के बाद 2016 में सुधीर कमीशन बन गया। केसीआर साहब आ रहे कमीशन मुसलमानों की माशी हालत कैसी है नाउ एट प्रेजेंट, मुसलमानों की क्या 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 है, 60% मुस्लिम बच्चे स्कूल को नहीं जाते, 85% मुस्लिम बिलो पॉवर्टी मतलब व्हाइट रेशन कार्ड वाले 85%, आबादी 40%, जॉब गवर्नमेंट जॉबों में अपना 7%, मुसलमानों को जाति घर नहीं, कितने लोगों को जाति घर नहीं है, 43% मुसलमानों को जाति घर नहीं है तेलंगाना में, 43% बोले तो एक 100 घर देख लिए तो उसमें 43 घरों किराए के हैं मुसलमान, इतनी गरीबी है मुसलमानों में, इनके लिए एक नया स्कीम होना है जैसा आप गरीब बंधु लागू करें, वो लोग भी पिछड़े हुए गरीब भी, वो लोग भी गरीबी है देना चाहिए, हम वेलकम कर रहे हैं। सचार कंपनी रिपोर्ट ये बता रही दलित से भी मुसलमान और गरीब है पिछड़े हुआ, फिर हमारे लिए क्या को एक नया स्कीम लाना है ना, अगर मुसलमानों को छोड़ के मुसलमानों को डेवलप नहीं करके मुसलमानों को आगे रियासत में आगे नहीं लेके गए तो ये कैसा सुनहरा तेलंगाना बनता, कैसा तेलंगाना बनता, मगर केसीआर साहब को ये पूरे नहीं मालूम, बल्कि नहीं मालूम क्या मालूम मुसलमान, अरे अच्छी टोपी लगा ले उर्दू में, उर्दू जबान केसीआर साहब को भी अच्छे उर्दू में बात करके रमजान में अच्छा इफ्तार करके बिरयानी खिलाए तो पूरे भूल जाते हैं लोग, फिर मेरे को वोट ला दे, कभी कभी मैं बीजेपी को कैसा कैसा भी बोल दू, कैसा भी मैं वोट ला दू, यही केसीआर साहब की गलत फहमी है, 70 साल से अपने अपने को ऐसी हो जो नया उम्मीद लेके अपन तेलंगाना रियासत हासिल करें उसमें भी वैसे हो, अगर इस बार अपन खामोश रहे तो कुछ भी नहीं मिलता, ऐसी रहे हर साल यही फायदा होता है, रमजान इफ्तार खाओ सब कुछ भूल जाओ, इफ्तार खाओ सब कुछ भूल जाओ बोल, इसलिए हम इस बार सोचने की जरूरत बहुत है, कितने दिन बर्दाश्त करेंगे, कितने दिन ये गलत फहमी में चले जाएंगे, इसलिए अपन एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना जरूरी है, इसमें जो पार्टी को पास में रखें अपन इकट्ठा हो, ये इसलिए ये डिक्लेरेशन आया, हम क्या बोल जो अमल बनेंगे, 100 इवेंट्स आए हमारे भी 2 साल से मेहनत करे, राउंड टेबल मीटिंग्स करे, ग्रुप मीटिंग्स करे डिस्ट्रिक्टों में, एएचए न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।